वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थ्री, मैं हूँ अभिसार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ क्लास थ्री का चैप्टर नंबर सिक्स, जिसका ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं। इससे पहले पिछले दो वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे। इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ कि ताकि आपको रिकॉल हो पाए कि आप पिछले वीडियो में क्या पढ़ पाए थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं टाइट मतलब सिर्फ उसके नाम और थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ताकि आप लोगों को दोबारा याद आ जाए कि आप लोग क्या क्या पढ़े हुए थे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ MSW लोगो स्क्रीन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ लोगो स्क्रीन लोगो का क्या क्या होता है। पहला हमारा कंपोनेंट होता है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार का क्या काम था, सॉफ्टवेयर के नाम को दिखाना, यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज और रिस्टोर का काम करता है। दूसरा आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार का क्या काम होता है, मेन्यू बार आपको डिस्प्ले से रिलेटेड वेरियस फाइल्स, बिटमैप, सेट, जूम, हेल्प इत्यादि ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराते हैं या फिर अपने पास होल्ड करके रखता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मेन स्क्रीन। ठीक है, मेन स्क्रीन एक तरह का ब्लैंक स्क्रीन आता है जो कि आपके विंडो पे अपीयर रहता है, वो हमारा मेन स्क्रीन होता है। जो भी कमांड्स हम लोग चलाएंगे उसका रिजल्ट वहाँ पर आता है। टर्टल आता है, तो टर्टल एक तरह का ट्रायंगल होता है, आपको मैंने बताया ही था। ट्रायंगल के दो पार्ट होते हैं, टेल एंड हेड, ये सब आप लोग पिछले वीडियो में देखे ही होंगे। अब उसके बाद था स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का क्या काम था, स्क्रॉल बार दो तरह का था हमारा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का काम क्या था, राइट टू लेफ्ट मूव करने का, और वर्टिकल का काम था अप एंड डाउन करने का। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कमांडर विंडो, जो कि हमारे MSW लोगो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, विदाउट कमांडर विंडो MSW लोगो इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक, विदाउट कमांडर विंडो के साथ था, बिना कमांडर विंडो के हम लोग MSW लोगो स्क्रीन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि MSW लोगो स्क्रीन किस तरह से वर्क करेगा और क्या क्या फंक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो कमांडर विंडो के हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं। ठीक है, और बाबू मैं एक बार और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा MSW लोगो स्क्रीन है, इसका ये बेसिक चैप्टर आपका क्लास थ्री में दिया गया है। इसका थोड़ा सा और एक पॉइंट ऊपर बढ़ के हम लोग क्लास फोर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बस सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं MSW लोगो के बारे में। तो यहाँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो अगला जो हमारा अगले ईयर में हम लोग जब पढ़ेंगे क्लास फोर में, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम लोग MSW लोगो स्क्रीन कैसे होता है और काम कैसे करता है, क्या क्या है उसके पर्पसेस हैं, और उसके अंदर के कमांडर विंडो में क्या क्या कोड लिखे जाते हैं। ये सारे चीज़ हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस बार हम लोग सिर्फ इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखने वाले हैं और सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो कंपोनेंट्स भी MSW लोगो कमांड के कमांडर विंडो में हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। पहला हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार का काम क्या है, टाइटल बार ऑफ कमांडर विंडो हैज मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर एंड क्लोज बटन। अब इसका भी टाइटल बार जो होता है, इसमें भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज रीस्टोर क्लोज ये सारे बटन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मिनिमाइज द कमांडर विंडो, रिड्यूस इट टू ए स्मॉल बार प्लेस्ड ऑन द बटन लेफ्ट साइड ऑफ द डेस्कटॉप। अब इसको अगर आप मिनिमाइज करते हैं तो ये आपके डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में बॉटम की तरफ यानी कि नीचे की तरफ स्टोर कर लेता है, जो कि आपके टास्क बार के ऊपर होता है। अब टास्क बार क्या होता है, इसके बारे में मैं आई थिंक चैप्टर नंबर टू या थ्री में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ठीक है, ऑन मैक्सिमाइजिंग इट कवर द स्क्रीन कम्प्लीटली। अगर हम लोग इसको मैक्सिमाइज करते हैं या फिर बड़ा करते हैं, मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या, मैक्सिमम बड़ा करना, अगर हम लोग बड़ा करते हैं तो आपके स्क्रीन को पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर कर लेता है। ठीक है, दिस विंडो कैन ओनली बी क्लोज बाय क्लोजिंग द MSW लोगो। दिस विंडो कैन ओनली बी क्लोज बाय क्लोजिंग द MSW लोगो। अगर हम लोग MSW लोगो को बंद करेंगे तभी हमारा ये जो हमारा टाइटल बार या फिर कमांडर विंडो है, तभी हम इसको बंद कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा MSW लोगो ओपन होगा तो हम अपने टाइटल बार हमारा जो होगा वो ज़रूर ओपन होगा। ठीक, चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इसमें कुछ नोट्स हम लोग तैयार करते थे। हर क्लास का हमारा ये रूटीन रहता है कि हम लोग कुछ नोट्स तैयार करेंगे। ठीक, तो नोट्स क्या क्या तैयार करना है मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। टाइटल बार के अंदर में आपको क्या क्या लिखना है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को आसान हो जाए याद करना। ठीक है, ठीक है, इतना ही बड़ा आपको टाइटल बार के बारे में लिखना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा करने पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है,
और एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर लेंगे, लास्ट वाला लाइन जो हमारा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक, चलिए अब दूसरा आता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स या फिर कमांड बॉक्स, दोनों को सेम ही नाम से जानते हैं, या तो हम लोग रिकॉल लिस्ट बॉक्स बोलेंगे या फिर कमांड बॉक्स बोलेंगे। ठीक, द ग्रे कलर्ड बॉक्स बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार के जस्ट नीचे जो ग्रे कलर्ड बॉक्स होता है वो हमारा रिकॉल लिस्ट बॉक्स कहा जाता है या फिर कमांड बॉक्स बोला जाता है। कमांड बॉक्स को ही हम लोग रिकॉल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, एट लिस्ट ऑल द कमांड्स डेट आर एग्जीक्यूटेड, ये जो हमारा है कमांड बॉक्स, ये हमारे सारे कमांड्स का लिस्ट रखता है, जो भी कमांड्स हमारे एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं या जो हम लोग रन करा चुके हैं। ठीक है, इट ऑल्सो डिस्प्लेज मैसेजेज विच अपीयर एज द रिजल्ट ऑफ दिस कमांड, ये आपके उसमें कमांड्स का रिजल्ट मैसेज के तौर पर डिस्प्ले करता है जो कि आप लोग कमांड लिख चुके हैं। ठीक है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग अ मैसेज इज डिस्प्लेड इन द बॉक्स, अगर कुछ गड़बड़ होता है यानी कि अगर कुछ गलत होता है तो एक मैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर जाएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे देगा कि ये चीज़ गलत हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये दिखता कहाँ है, हमारा टाइटल बार क्या होता है तो आप जानते हैं, ये जो पूरा एरिया जो हमारा है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा टाइटल बार है, ऊपर का एरिया टाइटल बार है, और बीच में आप देख रहे हैं ये देखिए ये जो हमारा कमांड बॉक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉल लिस्ट बॉक्स या फिर कमांड बॉक्स, ये जो मेरा पूरा एरिया है जिसमें मैं टिक ही कर देता हूँ, ये जो एरिया मेरा बीच का है इसको हम लोग कमांड बॉक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग रिकॉल बॉक्स भी बोलते हैं। समझ गए, इसमें सारे हमारे कमांड्स के लिस्ट होते हैं, आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट्स पर, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कमांड इनपुट बॉक्स। ठीक है, द बॉक्स बिलो द रिकॉल लिस्ट बॉक्स इज कॉल्ड द कमांड इनपुट बॉक्स, वैसे बॉक्स जो कमांड इनपुट बॉक्स वैसे बॉक्स जो कमांड बॉक्स या रिकॉल लिस्ट बॉक्स के नीचे होते हैं उसको हम लोग कमांड इनपुट बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, कमांड इनपुट बॉक्स क्या है, जो ये हमारा कौन सा है, हमारा रिकॉल लिस्ट बॉक्स या फिर कमांड लिस्ट है, और उसके नीचे जो ये ब्लैंक स्क्रीन है जहाँ पे मैं अभी टिक कर रहा हूँ, ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलेंगे कमांड इनपुट बॉक्स। ठीक है, इसका काम क्या है, जहाँ पे हम सारे कमांड लिखेंगे, दिस इज वेयर यू टाइप ऑल द कमांड्स, ये वैसा जगह है जहाँ पे आप अपने सारे कमांड्स टाइप करेंगे या लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल बटन्स, कंट्रोल बटन्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। द कंट्रोल बटन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द रिकॉल बॉक्स आर कॉल्ड कंट्रोल बटन, हमारे रिकॉल बॉक्स के जो राइट साइड की तरफ जो बटन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन्स बोलते हैं। ठीक है, दीज बटन्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, ये जो बटन्स हमारे हैं वो तरह तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब उस बटन में कौन कौन सा बटन आता है, तो पहला हमारा आता है होल्ड बटन। ठीक है, अब होल्ड बटन का क्या काम है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब होल्ड बटन से पहले थोड़ा मैं कंट्रोल बटन का एक पिक्चर दिखा देना चाहता हूँ, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारे पूरे कंट्रोल बटन्स है। ठीक है, इसके अंदर में होल्ड बटन आता है, ट्रेस आता है, पॉज आता है, स्टेटस आता है, स्टेप आता है, रीसेट आता है, एग्जीक्यूट आता है और इडल आता है, ये हमारे पास लगभग लगभग आठ बटन्स इसके अंदर में पाए जाते हैं। अब आठों बटन्स के यूज़ क्या क्या हैं इसके बारे में देखना चाहते हैं। यूज़ से पहले आपको कमांड बॉक्स के बारे में लिख लेना है और इसके इसमें यहाँ तक आपको लिख लेना है, रिकॉल लिस्ट बॉक्स के बारे में इतना लिख लेना है और कमांड बॉक्स में पूरा यहाँ तक लास्ट तक आपको लिख लेना है ये पूरा लाइन। ठीक है, ये आपको क्या बोले इसको नोट्स के तौर पर हम लोग लिखते हैं। ठीक, कंट्रोल बटन्स के बारे में हम लोग एक लाइन यहाँ तक लिख लेंगे और ये भी लाइन लिख लेंगे और उसके बाद जितने भी हॉल्ट बटन्स वगैरह के बारे में मैं समझाते जाऊंगा पूरे पूरे लाइन आपको लिखने हैं, ये इसमें से कोई भी लाइन छोड़ा नहीं जा सकता है बाबू, इसमें से छोड़ देंगे तो फिर फायदा नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे, फिर आपके एग्जामिनेशन में ये चीज़ कवर नहीं हो पाएंगे कभी। ठीक है, तो ये सारे लाइन ए टू जेड लाइन आपको लिख लेने हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग सबसे पहले हॉल्ट बटन के ऊपर। ठीक है, इट इमिडिएटली स्टॉप्स लोगो विथ कैरिंग आउट द लास्ट कमांड डेट वॉज गिवन, ये आपके लोगो कमांड को इमिडिएटली क्या करता है, कैरिंग आउट करता है, बाहर कर लेता है या होल्ड कर लेता है, जो भी आप कमांड दिए हैं वहाँ पे होल्ड कर लेता है आपका। ठीक है, इमिडिएटली स्टॉप यानी कि रोक लेता है, होल्ड कर लेता है, जहाँ पे आप हैं वहीं पे आपको रोक लेगा, जिस कमांड पे आप रन कर रहे हैं अभी उस कमांड से आगे नहीं बढ़ने देगा हमारे प्रोग्राम को। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पॉज बटन। ठीक है, पॉज बटन स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द कमांड टेम्पोरली, टेम्पोरली यहाँ पे सब यूज हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कुछ समय के लिए पॉज बटन इस चीज़ को रोक लेगा टेम्पोररी, लेकिन होल्ड बटन का क्या काम है, स्टॉप कर देता है यानी पूरी तरह से रोक देता है। ठीक है, और आपको बाहर ले आता है, और ये क्या करता है पॉज बटन, ये स्टॉप तो करता है यानी कि रोकता तो है लेकिन टेम्पोररी कुछ समय के लिए, जब चाहे तो फिर आप
उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, एंड वेट्स फॉर द कंटिन्यू कमांड। जैसे ही आप इस टेम्पोरली पॉज करेंगे तो आपको कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है ट्रेस बटन। ट्रेस बटन का क्या काम है? ट्रेस बटन हेल्प्स यू फाइंड द मिस्टेक्स यू हैव मेड वाइल गिविंग कमांड टू लोगो। और ट्रेस बटन आपको जितने भी मिस्टेक्स हैं उसको खोजने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जो भी आप मिस्टेक अपने MSW लोगो में किए हुए हैं उन सारे मिस्टेक्स को खोजने में या फिर दूर करने में आपको हेल्प करता है। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना पड़ेगा, लिखना तो है ये लेकिन याद तो जरूर करना है। रिमूविंग सच मिस्टेक्स इज कॉल्ड डिबगिंग। अगर हम लोग कोई मिस्टेक को दूर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिबगिंग। क्या कहते हैं? डिबगिंग। कोई भी मिस्टेक्स यानी कि कोई भी गलतियाँ अगर हम लोग सुधारते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं डिबग करना, ठीक है, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डिबगिंग। ऐसे हम बोलें कि आपको इस चीज़ को डिबग करना है, तो यानी कि उस मिस्टेक को सुधारना है, वैसे ही हमारे प्रोग्राम में उस चीज़ को सुधारने को हम लोग डिबगिंग बोलते हैं, ठीक है। अब रीसेट बटन आता है। रीसेट बटन का क्या काम है? रीसेट बटन का काम है दिस बटन क्लियर्स द मेन स्क्रीन एंड प्लेस द टर्टल बैक एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। ये जो हमारा स्क्रीन है हमारे पूरे सॉरी जो हमारा बटन है रिसेट बटन, इसका काम क्या है कि हमारे पूरे स्क्रीन को क्लियर करना, यानी कि स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ है उस स्क्रीन को क्लियर करना और टर्टल को हमारे MSW लोगो स्क्रीन के सेंटर पे ले आके छोड़ देना, ठीक। उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूट बटन जो कि नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दिस बटन एग्जीक्यूट द कमांड रिटन इन द इनपुट बॉक्स। ये बटन जो कमांड हम लोग लिखते हैं उसको रन कराने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है ईडेल बटन। ईडेल बटन का क्या काम है? ओपन द एडिटर विंडो शोइंग ऑल द स्टोर्ड प्रोसीजर। अब जितने भी प्रोसीजर हम लोग बना के रखे होंगे, जितने भी प्रोग्राम हम लोग पहले से बना के रखे होंगे, वो ईडेल बटन के हेल्प से हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रोग्राम हम लोग पहले बना के या फिर पहले लिख के रखे हुए होंगे उसको खोलने में हमारे पास ईडेल बटन हेल्प करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे कुछ फंक्शन जो कि हमारे कमांडर विंडो के अंदर में आते हैं, कमांडर विंडो के कंपोनेंट्स हैं। और कमांडर विंडो में भी ये हमारा कंट्रोल बटन का कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो कंट्रोल बटन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये हम लोग देख लिए अभी अच्छे तरीके से। अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी चीज़ मैं बोला हूँ लिखने के लिए, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने बोला है आपको लिखने के लिए, ये पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग डायरेक्शन इन विच द टर्टल मूव्स ये पढ़ने वाले हैं। अगले क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्शन इन विच द टर्टल मूव्स, वैसे डायरेक्शन जिसमें हमारा टर्टल मूव करता है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग फिर थोड़ा सा पीछे की ओर रिकॉल कर लेंगे, यानी कि हम लोग पीछे क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में एक दो पॉइंट जान लेंगे और फिर आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। और आई थिंक अगले क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, हम लोग इस चैप्टर को अगले क्लास में समाप्त करेंगे और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू, ठीक है।